हे सुदामा, हे कृष्ण, मैं उसी का फल आज भोग रहा हूँ कि मैंने बिना भगवान को खिलाए मैं खुद ही अकेले अकेले चना खा गया। यह सूत्र है इस कथा का कि जो भगवान को बिना खिलाए खुद खा लेता वो बहुत जल्दी फिर निर्धन बन जाता है। इसलिए आप फिर नित्य भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोजन कराओ। फिर भगवान ने पूछा, सुदामा तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? कहा हो गई। सुदामा जी ने पूछा कि तुम्हारी हुई कि नहीं कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा, एक नहीं भैया, मेरी तो 16,108 शादियां हुई है। फिर भगवान ने पूछा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं? सुदामा जी सोचने लगे संकोच में कि ये तो द्वारका नगरी का राजा, सोने की नगरी का राजा, और सुशीला ने तो मुझे केवल 4 मुट्ठी चूड़े दिए, वो भी कच्चे। वो सोने की नगरी का राजा, रोज मालपानी गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने वाला, यह क्या मेरे चावल खाएगा? सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। सुदामा जी पोटली को छुपाते हैं, भगवान